Hi friends, this is Arun Kocher, RJ anchor actor. भाई इंट्रोडक्शन तो मैं क्या दूं, क्यों मैं अपने आप को मानता हूं, मैं वो प्लेयर हूं जो नित नई चीज नए दिन के साथ सीखता हूं. एंड आई फील प्राउड कि यस आई एम अ कॉन्स्टेंट स्टूडेंट, आई कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ विद एवरी डे. बहुत अच्छा लगता है, घमंड नहीं है, पर एक अच्छी फीलिंग आती है. देखिए जब घमंड आ जाएगा फिर तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर तो मैं ये कहूँगा मैं सीखा सिखाया हूँ. एंड माइंड इट, ये हमारी लाइन एक्टिंग की कॉन्स्टेंट लर्निंग की लाइन है. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सीखा सिखाया हूँ. लगातार नई नई चीज़ें आती रहती हैं, उनको हम सीखते रहते हैं, नए नए शूट्स होते रहते हैं, उनमें सीरियल्स शामिल हैं, उनमें वेब सीरीज शामिल हैं, उनमें ऐप्स के ऊपर शूटिंग करके प्रोग्राम डाले जाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स शामिल हैं, एड फिल्म्स शामिल हैं, डॉक्यू ड्रामास शामिल हैं, डॉक्यूमेंट्रीज शामिल हैं और इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें शामिल हैं. कई बार हम इंग्लिश फिल्म्स में काम कर रहे होते हैं, इंग्लिश सीरियल्स में काम कर रहे होते हैं, किसी रीजनल प्रोग्राम में उसका हिस्सा होते हैं, पंजाबी हिंदी मराठी. भाषा हमें सारी नहीं आती हैं, बट क्योंकि हम अभिनय का आधार समझते हैं तो उस काम को हम कर पाते हैं. कई बार हम स्टेज से एक्टिंग कर रहे होते हैं या कभी रेडियो से. मीन्स एक एक्टर को कई माध्यमों से परफॉर्म करना होता है, तो एक एक्टर जगह जगह डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है. उसी तरह हम भी जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, पर जब हम कई माध्यमों में परफॉर्म करते हैं या लगातार काम करते हैं या कई को एक्टर्स के साथ में काम करते हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि परफॉर्मेंसेस सोलो ही होंगी, परफॉर्मेंसेस में और एक्टर्स भी होते हैं. उन एक्टर्स की फुट मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, डायलेक्ट डिलीवरीज, लाइट्स, साउंड्स, हर चीज का हमें ध्यान रखना होता है. कहाँ से लाइट आ रही है, किसके फेस पर पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी को कवर कर रहा, किसी की लाइट हाफ पड़ रही हो, मालूम चले वो शॉट तो हो जाएगा बट उस शॉट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी क्योंकि उस शॉट को ओके नहीं माना जाएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. या किसी का बात करते करते कोई डायलॉग रुक गया, कोई एक्सप्रेशन अटक गया, कोई माइंड से ब्लैंक हो गया, या किसी को सामने से डिसरप्शन हो रही है किसी चीज के कारण, कोई रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आंखों में तो वो बोल नहीं पा रहा या नहीं बोल पा रही, या किसी और साउंड के कारण काम में रुकावट आ रही है और वो दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो रहा है या हम डिस्टर्ब हो रहे हैं. आई मीन टू से देयर आर वेरियस फैक्टर्स जहां पर कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने एक प्ले किया था बड़ी बुआ जी. मेरा पहला प्ले था बादल सरकार साहब जो बंगला के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका ये प्ले है और दिल्ली के YMCA में मैंने ये प्ले किया. तो YMCA में जब हमने ये प्ले किया तो उनके ऑडी में काफ़ी कैपेसिटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेरी ऊंची आवाज़ को सुनकर मैं उसमें फूफा जी का किरदार प्ले कर रहा था. तो जो बुआ जी हैं, इस टाइटल प्ले का टाइटल है बड़ी बुआ जी, इसमें जिक्र तो होता है बड़ी बुआ जी का कि बड़ी बुआ जी आ रही हैं, उनका इतना रौब है, सब लोग उनसे डरते हैं, सब कैरेक्टर्स उनकी प्रेजेंस से घबराते हैं. एक अच्छा किरदार है बुआ जी जिनका वजन है, परिवार में वजनदार किरदार है. अब बड़ी बुआ जी का जो किरदार प्ले कर रही थी वो मेरी ऊंची आवाज को सुनकर डर गई या कहीं ब्लैंक हो गई या जो भी हुआ, उनके डायलॉग उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे.
अब इस सीन को मैं भाप गया, डायरेक्ट इस सिचुएशन को मैं भाप गया और हमारे डायरेक्टर भी इस सिचुएशन को देखकर घबरा से गए कि अब क्या होगा। परंतु जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें इम्प्रोवाइज करना होता है, अब वो तो ब्लैंक थी मेरे सामने खड़ी हुई, अब मैं उनके साथ में खड़ा हूं तो मैंने ही उनकी लाइन बोली, अरे क्या जब देखो कहीं ना कहीं खो जाती हो, माना कि सब तुमसे कांपते हैं, भाई मैं भी तुमसे कांपता हूं, बहुत कांपता हूं, पर ये क्या अपने शब्द ही भूल गई, अपने वाक्य ही भूल गई, अरे कुछ कहो कहो मुंह से कहो, और कुछ नहीं तो मेरे इस सिगार के बारे में ही कुछ कहो, यही तो कहती रहती हो तुम। जी हाँ, उन्हें मुझे डांटना था, ये क्या हर समय सिगार पीते रहते हो, कोई काम नहीं है, पैसे की बर्बादी और शरीर की बर्बादी, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, सुधर जाओ, इतनी उम्र हो गई है इसे पीना बंद कर दो। तो उन्हीं के डायलॉग मैंने उन्हीं को अपने माध्यम से कह डाले। जब मैंने उन्हें ये चार लाइनें कह डाली और उसके अलावा दो लाइनें और कह डाली, यही कहना चाहती हो ना कि रसोई घर की माचिस में कुर्ते की जेब में डाल के घूमता हूं, बाबा ये रही माचिस, मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे गुस्से से बचना चाहता हूं, बस इतना कहना था कि उनको इतनी, उनको एक क्यू मिल गया, उनके डायलॉग्स वापस आ गए उनके पास में और उन्होंने फुल फॉर्म में एक्टिंग करनी शुरू कर दी। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें अपने आंख और कान, आंखें और कान एक्टिंग करते समय पूरे खुले रखने हैं। इस चीज का पूरा ख्याल रखना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, खाली आप ही उसका हिस्सा नहीं है, पूरा टीम, पूरा ग्रुप जो उसको एक्ट कर रहा है सभी उसका हिस्सा हैं। आपका अभिनय भी तभी निखर कर आएगा जब आप सशक्त हो, दूसरा सशक्त हो, पूरी टीम सशक्त हो, सशक्त पिलर्स हो, तो सशक्त नतीजे आएंगे। अगर इन सशक्त पिलर्स में से एक भी कमजोर हुआ तो आप सबकी शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी, माइंड इट। तो आपको एज ए टीम उन सभी को लेकर चलना है, एज एन एक्टिव प्लेयर कीप योर ईयर्स एंड आई ओपन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स ऑन अ ब्रॉडर नोट, एक विस्तृत रूप में चीजों को देखें, कहीं कोई फंबल कर रहा है, कहीं कोई साउंड है, कहीं कोई आउट ऑफ द ट्रैक चला गया, किसी को स्क्रिप्ट मेमोराइज नहीं हो रही है, किसी को कहीं से कोई लाइट पड़ रही है, आंखों में कोई फिजिकली वीक है, कोई डायलॉग भूल गया है, या किसी को अचानक ही किसी ने दूर से बुला लिया, उसका ध्यान वहां बट गया, तो आप चीजों को संभालना सीखें। यहाँ हिंदी में इम्प्रोवाइजेशंस संभालने को ही कहते हैं।